क्रिकेट के इतिहास में वेस्टइंडीज पहली टीम बन चुकी है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया है डे और नाइट के टेस्ट क्रिकेट मैच में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस वर्ष के अंत में होगा 5 मैचों की टेस्ट सीरीज। इसमें से जो पहला टेस्ट मैच होगा वो पर्थ में खेला जाएगा और जो दूसरा टेस्ट मैच होगा वो एडिलेड में खेला जाएगा। ये एडिलेड का जो टेस्ट मैच होगा ये डे नाइट का टेस्ट मैच होगा और जो तीसरा टेस्ट मैच खेला जाएगा वो ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। चौथा टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला जाएगा और पांचवा टेस्ट मैच सिडनी में खेला जाएगा। सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड के अनुसार जो है एडिलेड में खेला जाने वाला दूसरा टेस्ट मैच जो है डे नाइट का होगा और इससे पहले भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 2020 में डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था और जिसमें ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट से जीता था। भारत ने अपना अंतिम फाइनल डे नाइट टेस्ट मैच मार्च 2022 में श्रीलंका के विरुद्ध बेंगलुरु में खेला था। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट की जो मेजबानी है वो ब्रिस्बेन करेगा। बॉक्सिंग डे टेस्ट हर बार की तरह जो है मेलबर्न में खेला जाएगा जबकि नए साल पर जो है दोनों टीमें सिडनी में अंतिम मैच खेले 1991-1992 के बाद जो है पहला अवसर होगा जबकि भारतीय टीम जो है ऑस्ट्रेलिया में 5 मैच का जो है टेस्ट सीरीज खेलेगी और इससे पहले जो है 1991-1992 में जो है टीम को जो है 4-0 से जो है हार का सामना करना पड़ा था। और भारत ने जब 2018-19 में ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था तब पर्थ में दूसरा टेस्ट मैच खेला गया था। 2020-21 में खेली गई सीरीज से पहले जो है पर्थ को एक भी मैच के लिए मेजबानी नहीं दी गई थी।